शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उपराज्यपाल एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली कैबिनेट की सलाह के बिना भी एलजी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। एलजी 10 एल्डरमैन नामित कर सकते हैं, सिर्फ दिल्ली सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा, उनसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए एलजी स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया। दो बातें हैं, पहली बात तो ये कि इतना विलंब से फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि त्वरित गति से सब कुछ होना चाहिए, 15 महीने लगा दिया आपने ये फैसला देने में। दूसरी बात, एक चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है? अगर आप चुनी हुई सरकार के सारे अधिकार धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे, फिर दिल्ली के अंदर चुनाव करके जो लोग वोट देते हैं उनको तो आप निराश कर रहे हैं। आप एलजी को हर चीज में अधिकार देते जा रहे हैं कि वो दिल्ली सरकार को अपने डंडे से चलाए। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। और दूसरी बात यह है कि जो सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी थी उसके बिल्कुल विपरीत फैसला है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि जब सुनवाई हो रही थी इस पूरे मामले की, तो वो चाहे हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय हों या जो भी और न्यायाधीश हैं, उनकी जो टिप्पणी थी वो आज के फैसले से बिल्कुल विपरीत थी। तो मुझे लगता है कि एक बार पूरा फैसला पढ़ेंगे कि क्या आया है इसमें, लेकिन फिलहाल इस फैसले से हमारी जो है असहमति है और इसको देख के फिर आगे बात करें। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। संजय, क्योंकि संजय सिंह ये कह रहे हैं कि जो सुनवाई के वक्त टिप्पणी थी और जो फैसला आया उसमें अंतर वो देख रहे हैं। आपने तो ये सब कुछ फॉलो किया है, क्या वाकई कोई अंतर था? सुनवाई के समय अदालत बहुत सारी चीजें पूछती है, तह तक जाने के लिए बहुत सारे सवाल करती है, तो उन सवालों का मतलब ये नहीं होता कि वो जजमेंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन वो एक पैरामीटर नहीं होता कि आपने उस समय ये पूछा था तो अब जजमेंट भी यही देना चाहिए। अदालत कई बार मामलों की तह तक जाने के लिए बहुत सारे ऐसे सवाल पूछती है जिसे सुनते हुए लगता है कि शायद मनीष सिसोदिया वाले मामले में, उनकी जमानत का मामला संजय सिंह जी को याद होगा, जिसमें अदालत ने कहा था कि ईडी से कि आपका जो एप्लीकेशन है और आपके जो आरोप पत्र हैं वो काफी लचर हैं और ऐसे में हमें लगता है कि 2 घंटे भी नहीं टिक पाएंगी आपकी चीजें। लेकिन जब जमानत का आदेश का आया तो उस समय कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत मना कर दी और उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश नहीं दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। हम तो रात दिन देखते हैं कि पहली सुनवाई में लगता है कि बस अब तो मामला एकदम सही है और ये इस आदमी को रगड़ दिया है कोर्ट ने, लेकिन जब फैसला आता है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं, जवाब आते हैं, हलफनामे आते हैं, उनके बाद बहुत सारी चीजों पे अदालत का रुख बदलता है। तो ऐसा नहीं है कि अदालत जो टिप्पणी करते हैं वो उसका फैसला जानकारी के लिए आपका। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ रेप को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज है। लखनऊ में बीजेपी की एक महिला नेता की ओर पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में एसपी संस्थापक मुलायम सिंह यादव का वो चर्चित बयान लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के डीएनए टेस्ट वाले बयान पर भी बीजेपी हमलावर है। सीएम योगी ने सपा को जंगल पार्टी कहा। कल बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाकर पीड़िता से मिला। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मामले में डीएनए जांच हो और कोर्ट पीड़ितों को सुरक्षा दे। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है, ये कानून किसका संशोधित है, ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई, वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर
और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते हो तो उन्होंने क्या किया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें, हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ, अधिकारी पे इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल है और ये तमाम लेनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसका, उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि ये भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अब इस मामले को लेकर बीजेपी और एसपी में जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। एसपी मामले में साजिश की तरफ इशारा करते हुए डीएनए टेस्ट कराने की मांग उठा रहे हैं। जो घटना घटी है अयोध्या के अंदर नाबालिग बेटी के साथ, वो जिहुआ पर बोलना भी पाप जैसा लगता है, लेकिन आज जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाते हैं। तो हम ऐसे घटना की निंदा करते हैं, और जहां तक जो कार्रवाई हो रही है, तो देखिए ये कहां का न्याय है। तो पहले तो कार्रवाई करें, कार्रवाई करके पुलिस ही यहां का जांच करे, और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करे, तो ये कहां का न्याय है। और इस बीच मोहित के परिवार की महिलाएं कह रही हैं कि मोहित बेगुनाह है, उसको फंसाया जा रहा है। आफ्ताब, क्या देखते हैं पूरी कार्रवाई को आप, जो भी एक्शन कल हुआ है, जो भी आरोप लगे हैं? तो गलत हो रहा है, आप उसकी डीएनए टेस्ट करवाइए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो अब जो गलत है दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए, बस सिर्फ बस हमारा ये मांग है। और बिना रिपोर्ट के हम लोग को घर गिराया जा रहा है, नहीं बैकरी गिरा दी उसको, हम लोग बुलडोजर भी चला दे रहे हैं। सर, हम लोग डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ये नाजायज हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। एक तरफा न्यूज दिखा करके उसको बात को इतना बढ़ा दिया गया है। आप जैसे बता रही हैं, जो आप पक्ष दे रही हैं, तो राजू जो है उनको भी अरेस्ट किया गया है, तो राजू ने क्या पुलिस को ये बात बताई है? जी, राजू ने चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर पूरे थाने में बयान दिया है कि चचा की कोई गलती नहीं है, चचा जो बेकसूर है, सिर्फ उनकी इतनी गलती है कि मैं उनकी बेकरी में काम करता हूँ, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा है, उसकी बात कोई, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। परिवार जो है वो तो परिवार को झूठ बोल रहा है। परिवार कौन झूठ बोल रहा है? जो लड़की का परिवार, लड़की का परिवार झूठ बोलेगा? उसको पैसे, उसको राजनीति चाहिए, उसके पीछे राजनीति हो रही है। सपा का टैग इनके ऊपर लगा हुआ है, सपा का टैग लगा। कई साल पहले वो नगर अध्यक्ष बनाए गए थे मोहित खान, और नगर राजू भी क्या समाजवादी पार्टी से कोई भी पद उठा दे दिया, कोई संबंध नहीं राजू का, समाजवादी से कोई संबंध नहीं। राजू नौकर है इनका, सीतापुर का रहने वाला, बेकरी में नौकर है, बेकरी में नौकरी करता है। राजू का कोई स्टेटस नहीं है, इसी वजह से ट्रेंड पर नहीं लाया जा रहा है। इसलिए उनको सिर्फ जोड़ा गया इस केस से कि ये समाजवादी से जुड़े हुए हैं, और इनको मौका मिल गया कि राजू उनके बेकरी में काम करता था, और राजू के, राजू का उनके बेकरी में काम करने के अलावा हमारे घर से कोई उसका रिश्ता नहीं है, हमारे घर से कोई उसका रिलेशन नहीं है। पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? ये सरासर गलत है और नाजायज है, जो भी हो रहा है ये राजनीतिक की वजह से हो रहा है, समझे? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी चेयरमैन ही हार चुकी है, आज तक गवर्नमेंट बनी नहीं, लोकसभा हार चुका है, इस वजह से दुश्मनी निकाली जा रही है। तो आप जैसे कि जमीन पे बुलडोजर चल रहा है, वो जमीन मोहित खान, वो मोहित खान के नाम पे है नहीं, जिसके नाम पे जमीन है वो एनआरआई है,
कौन है, किसके नाम पर जमीन है? महमूद खान। यहाँ नहीं रहते? यहाँ नहीं, लंदन में है। आप लोगों को क्या क्या बताया पुलिस ने? हम लोगों को तो पुलिस ने कुछ बताया ही नहीं है अभी तक। तो किस तरह से अरेस्टिंग हुई है मोहित खान? मोहित खान यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। वो खुद घर से चल कर गए हुए हैं। एसओ साहब ने फोन किया कि जो है आपके खिलाफ ऐसे ऐसे है, यहाँ पे लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप आ जाइए, कुछ बात करनी है। वो हमारे घर से हमारा जो है भतीजा उनको खुद ले जाकर थाने पे छोड़ा गया। वो वहाँ पे गए थाने पे, उसके बाद उनको जो है जेल भेज दिया गया। सियासत के बीच पीड़ित की मां ने क्या दर्द बयां किया, जरा वो भी सुनिए। आपने कोई मांग किया, उन लोगों ने कुछ कहा? हाँ, मांग किया, बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चले, फांसी लगे बस। मतलब जो घटना हुई ये बहुत दर्दनाक घटना है। इसमें मेन आरोपी कौन था, कितने लोग थे? मोहित खान और राजू। अभी भी कोई धमकी वगैरह आप लोग को मिल रही है? भदरसा के लोग धमकी दे रहा है। अच्छा, कौन भदरसा के लोग? गांव के लोग हैं या कि उन्हीं के घर के परिवार के लोग हैं? वही नहीं, गांव है एक सब, हम नहीं चिन्हित। क्या कहते हैं वो? मार डाल बहाई दिया, मार के ही सब कहा थे। अच्छा, तो इससे शिकायत पुलिस से आपने बता दिया पूरी बात? अरे यार, हाथ छोड़ दो, हटाओ। पुलिस को बता दिया आपने? धर्म पर सियासी कूच हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बजने वाला है, लेकिन उससे पहले धर्म पर मोर्चाबंदी हो रही है, नए कानून की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड पर नया कानून ला रही है। नए कानून में वक्फ मिले अकूत अधिकारों पर अंकुश लगाया जाएगा। उधर असम में हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद पर भी कानून ला रही है। चुनावी राज्य महाराष्ट्र, बीजेपी धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के पक्ष में है। बीजेपी के कुछ नेता इस नए कानून के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं धर्म पर हो रही धुआंधार सियासत पर आज 1 और 11 में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात वक्फ बोर्ड की करेंगे। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है वो वक्फ की मानी जाती हैं। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वो तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। 1955 से वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकार मिले थे, लेकिन अब वक्फ बोर्ड पर कानूनी नकेल की तैयारी है। मकसद है वक्फ की संपत्ति का सही और गरीब मुसलमानों के हक में इस्तेमाल करवाना, और इसके लिए केंद्र सरकार कानून में बड़े संशोधन करने जा रही है। ओवैसी वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। ये अमेंडमेंट लाने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। हेमंता लव जिहाद पर उबल रहे हैं। इलेक्शन और समय अमी लव जिहाद और कथा कैसे अखमत अमी अहा किसुदिन भितरते एखन नतुन आइन आनिम जत नेकि लव जिहाद और कारादंड आजीवन कारादंड ले अमी रूपांतर करू। महाराष्ट्र में धर्मांतरण पर कानूनी बंदिश की मांग उठ रही है। हिंदुओं की जनसंख्या कम करने का कार्यक्रम इनका माध्यम, ये जिहादों के माध्यम से शुरू है। उनको ये देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है 2047 तक। और ये सब यूं ही नहीं हो रहा, देश की राजनीति में धर्म पर धुआंधार नए तेवर के साथ तेज होता दिख रहा है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड पर नया कानून ला रही है। असम सरकार लव और लैंड जिहाद पर कानून बना रही है। महाराष्ट्र में धर्मांतरण पर कानून लाने का प्रयास चल रहा है। यूपी में लव जिहाद पर कानून अभी अभी पारित हो चुका है। देश भर में 8 राज्यों में लव जिहाद पर कानून बन चुका है। इन सब में सबसे बड़ी कड़ी है वक्फ बोर्ड पर कानूनी शिकंजे की। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने की तैयारी कर चुकी है। संसद में इसी हफ्ते इस संबंध में बिल पेश किया जा सकता है, जिसमें वक्फ बोर्ड एक्ट में कई तरह के संशोधन किए जा रहे हैं। कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में 40 संशोधनों पर मुहर लगाई है। नए प्रावधानों के तहत वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव होगा। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। विवादित पुरानी संपत्तियों का फिर से सत्यापन होगा। जिलाधिकारियों के पास संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा। वक्फ के पैसे गरीब मुसलमानों पर खर्च हो ये सुनिश्चित किया जाएगा।
70 सालों से वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार रहे। वक्फ बोर्ड जिसे चाहे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। वक्फ को इसके लिए कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। अगर कोई दावेदार है तो संपत्ति साबित करने की जिम्मेदारी उसकी है। वक्फ के खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती, शिकायत सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही की जा सकती है। वक्फ बोर्ड के फैसले को भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। फैसले को वक्फ ट्रिब्यूनल में ही चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड की अकूत और असीमित अधिकारों पर अंकुश लगने जा रहा है। आज तक ब्यूरो। वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव को बड़ा चुनावी दाम माना जा रहा है और इसीलिए इस पर जुबानी मोर्चाबंदी खूब हो रही है। बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के, उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुजूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है। ये सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा आपका पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। जब जब सरकार जाती है तब तक हिंदू मुसलमान विवाद सामने आते हैं। अभी तक कोई पुष्टिकरण नहीं हुआ है कि ये वक्त बोर्ड के अमेंडमेंट आएगा कि नहीं आएगा। कोई मंत्री ने आकर खुलकर इस पर चर्चा नहीं की है। उनकी सोची समझी रणनीति हो गई है कि जैसे ही उनसे दिखे सवाल पार्लियामेंट में पूछे जाए, आम जनता उनसे कहे, वैसे ही वो एक शगुफा छोड़ देते हैं कि डीरेल करने का आता है। बिल आता है तो आप उसका समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे? बिल आने तो दो, अमेंडमेंट देखने तो दो, हमें समझने तो दो। जो वक्फ व्यवस्था है या जो वक्फ सिस्टम है उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा। अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट मतलब उसे आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। अरे भाई, हर जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो ना तो मुल्क के लिए बेहतर है और ना मजहब के लिए बेहतर है, और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन जो है वो वक्त के लिए भी बेहतर है और वक्त के लिए भी जरूरी है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी और संतोष भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सबसे पहले कि आज ये बिल कब सरकार ला सकती है और 40 संशोधन को लेकर क्या है, क्या कोर्ट जाने का जो रास्ता है वो भी इसमें रखा जाएगा, महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी बातें आ रही है। देखिये, बिल्कुल 40 संशोधन है, उन सभी संशोधनों के अनुसार ये कहा जा सकता है कि जो एपलेट कोर्ट है वहां जा सकते हैं, और जो भी वक्फ बोर्ड की कमेटी है जो ये तय करती है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है या नहीं है, उसमें सरकारी अधिकारियों की नुमाइंदगी जो है वो दिखाई देगी, जिसमें डीएम, रेवेन्यू ऑफिसर, एसडीएम जो है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, वो तय करेंगे सरकारी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर कि ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है या नहीं है। बहरहाल, ये सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया है कि ये आज ही इस बिल को जो है लोकसभा या राज्यसभा में सरकार जो है वो इंट्रोड्यूस करेगी, या फिर जो है अगले 2-3 दिन के अंदर जो है सरकार इसको संसद के दोनों सदनों में लेकर आ जा सकती है। लेकिन इतना जरूर है, सरकार की तरफ से कैबिनेट में शुक्रवार को इस बिल को जो है वो मंजूरी दे दी गई है। 40 संशोधन है, और इन संशोधनों के जरिए सरकार ये जरूर चाहेगी कि वक्फ बोर्ड के पास जो लैंड बैंक है उसके ऊपर जो डिस्प्यूट है उनको लेकर जो है वो क्लैरिटी आए, और जो भी अनिवार्य सत्यापन है वो जमीन पर होना चाहिए, क्योंकि 9,40,000 एकड़ लैंड जो है वो वक्फ बोर्ड के बाद है, जो रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा लैंड बैंक है वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब देखना यह है कि 2013 में वक्फ बोर्ड को जो है
ज्यादा अधिकार देने का काम जो है वो यूपीए सरकार ने किया था, और 40 संशोधनों के जरिए जो है वक्फ बोर्ड के जो अधिकार है उसको कम करने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सरकार जो है अपने तीसरे कार्यकाल में करने जा रही है। लौटेंगे आपके पास संतोष जी, मेरे से योगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इससे कुछ भी हल नहीं होने वाला है, सरकार की जो है संपत्ति पर नजर है, इन सब दावों में कितना दम है? क्योंकि अगर बिल आ जाएगा, कोई बिल पारित होता है, तो आपके पास पूरा एक पॉइंट वाइज प्रोसीजर होता है कि कैसे उस संपत्ति को हैंडल करना है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में तो वक्फ की संपत्तियों की गड़बड़ी को लेकर के सीबीआई जांच तक हो रही है। तमाम ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि बिल्डर्स को बेच दिया गया, और वक्फ बोर्ड है वो कहते हैं कि हमारे पास आमदनी का जरिया नहीं है। उत्तर प्रदेश में 130,000 वक्फ की प्रॉपर्टियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जब आमदनी की बात होती है तो कहते हैं कि इसके ऊपर कब्जा हो गया है, हमको किराया नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वक्फ के अंदर जो प्रॉपर्टीज आती हैं उसका जो प्रोसीजर है वो मनमाने ढंग से है। वक्फनामा, वसीयतनामा या सर्वेयर, ये तीन प्रोसेस के जरिए ही कोई भी प्रॉपर्टी वक्फनामे में आ जाती है, वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाती है। लेकिन वक्फ बोर्ड पर अगर मैं कहूं कि मेरी प्रॉपर्टी गलत तरीके से वक्फ में दर्ज हो गई है तो उसकी अपील नहीं है। उसकी अपील कौन करेगा? वक्फ बोर्ड ही करेगा। अगर वक्फ बोर्ड मेरी अपील को खारिज कर देगा तो उसकी सुनवाई किसी भी अदालत में नहीं हो सकती है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी और असीमित ताकत की दे रखी है यूपीए सरकार ने, उसी पर काउंटर करने के लिए उन्हीं असीमित ताकत। आप नजर बनाए रखिए, आगे पे आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इन सब पर सियासत चल रही है। धर्मगुरु भी क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। वक्त की कुछ जमीने हैं तो उस पर भी यही बताया गया होगा, नाजायज कब्जा है या जो कुछ, तो उस पर भी से मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जब विधायक कभी सामने आएगा, अब जैसे नजूल को विधेयक लेकर के आना गलत नहीं है, लेकिन उसको गंभीरता से देखा नहीं गया कि इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये वक्फ बोर्ड का प्रकरण है, अभी ये हमारे सामने नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं और वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा भी हुई है, तमाम लोग कब्जा किए हैं। अब सरकार जब लाती है तो क्या लाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशियरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं। देखिए, ये पूरे देश की मोदी सरकार ने 5 अगस्त की तारीख विशेष महत्व रखती है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल संसद में पेश किया गया। इसी तारीख को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पीएम मोदी ने किया, और अब 5 अगस्त 2024 को वक्फ बोर्ड के अधिकारों में नियंत्रण वाला बिल संसद में पेश होने वाला है। महत्वपूर्ण तारीख और तीन महत्वपूर्ण चीजें इस तारीख से जुड़ी हुई, 2019, 2020 और 2024 में। 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया गया, 2020 में अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, और आज ही के दिन इस साल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नया बिल पेश किया जा सकता है। तो इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन अब बढ़ रहे हैं आगे। असम में लव और लैंड जिहाद पर कानूनी चोट की तैयारी है। असम की हेमंता बिस्व सरमा सरकार लव जिहाद और लैंड जिहाद पर नया कानून ला रही है। लव जिहाद के खिलाफ कानून के तहत दोषी को सजा के तौर पर आजीवन कारावास का प्रावधान होगा। लैंड जिहाद को लेकर भी सख्त कानून आएगा। दूसरे धर्म के नागरिक की संपत्ति खरीदने पर सरकार की इजाजत जरूरी होगी। इलेक्शन और আমি লাভ জেহাদর কথা কৈছিল, অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ এক বিশাল মহত্ব আছে, কিন্তু এটা এটাকৈ থলুৱা লোকসকলৰ পৰা মাটি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কাঢ়ি লৈ গৈ আজি আমাক নিজৰ মাটিতে সংখ্যালঘু পৰিণত কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে এক প্ৰস্তাৱ লৈছে যে অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে আমি এখন আইন আনিম
যে অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলা কোনো আমার মাটি বিশেষ সম্প্রদায় লোক বিক্রি করব নয়। আসাম কা জনতা সিএম কা মুখ সে পেলে জাননা চাতে যে সিক্স কমিউনিটি কো এসটি বনানে কা বাদ ও কব করেগা जो बोला था जाए बीजेपी आने से जो सीजू का दाम आसमान छू रहा है इसको नीचे लेके आएगा, वो बात बीजेपी क्यों नहीं करता है? फ्लैट फ्री, इरेशन फ्री आसाम, ये बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट्स में था, उसके बारे में बात कभी नहीं करता है। टी लेबर का डेली वेजेस इंक्रीज करने का जो बात था वो क्यों नहीं करता है? आसाम सीएम ने यह समझ लिया जो आसाम का जितना भी समस्या हो यह सबको छुपाने के लिए, इसका फेलर को छुपाने के लिए यह हमेशा नया नया मुद्दा लेके आता है। हिंदुस्तान का कानून तो यह कहता है कि हम जिस चीज के मालिक हैं हम किसी को भी बेच सकते हैं। हेमंत विश्वकर्मा जी हमेशा अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इस किस्म की बातें किया करते हैं, हिंदू मुस्लिम किया करते हैं। हिंदू लोग अपनी संपत्ति बेचते हैं, मुसलमान लोग बेचते हैं, एक दूसरे की संपत्ति है, सब लोग खरीदते भी हैं। ये कानून बना के वो क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या सारी उनकी सियासत हिंदू मुसलमान में नफरतें फैलाकर सियासत करना है? इस तरह से ऐसे लोग जो खुद जिनका इतिहास सबको मालूम है, जो उन्होंने कारनामे हैं कांग्रेस के जमाने में करे थे वो भी पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, उस पे पर्दा ढकने के लिए वो इस किस्म की बातें करते हैं। देखिए शेयर बाजार की बात करेंगे, भारी गिरावट आज दर्ज की गई है, लगभग 2800 अंक नीचे इस वक्त सेंसेक्स है। निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई है, दोनों लाल निशान के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, करीब 2653 अंक सेंसेक्स नीचे है, निफ्टी 820 अंक नीचे गिरा है। बाजार टूटने से निवेशकों के लगभग 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। ये बड़ा नुकसान आज शेयर बाजार में निवेशकों का, भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, इसके लिए अमेरिकी बाजार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर, और सुबह से ही ये गिरावट का दौर जारी है। साक्षी बत्रा जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, कहा जा रहा है कि कई अमेरिकन फैक्टर्स जिम्मेदार हैं आज भारतीय शेयर बाजार में इस तरह की गिरावट के लिए, क्या हैं वो फैक्टर्स, जरा बताइए विस्तार से। साक्षी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एंकर कौन है? आई कैन हियर। साक्षी, कौन सी वजह है जो आज भारतीय शेयर बाजार इतनी गिरावट के साथ देखा जा रहा है, सेंसेक्स निफ्टी दोनों में गिरावट है? सही कहा, आज ग्लोबल बाजारों में भी हाहाकार है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो कोहराम मचा हुआ है। 2500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स में नजर आ रही है, वहीं 700 पॉइंट आज निफ्टी गिर चुका है। वहीं अगर आप दो दिन पहले का लेवल देखेंगे तो आप चौंकाने वाले लेवल्स देख रहे होते, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ही रिकॉर्ड हाई और माइलस्टोन लेवल सेलिब्रेट किए जा रहे थे। वहीं दो दिन के बाद का इस तरीके का हाल ज्यादातर ग्लोबल सेल ऑफ की वजह से हुआ है। पहला ये कारण है कि यूएस मार्केट्स में एक रिसेशन का फियर, मंदी का फियर वापस आ चुका है, क्योंकि यूएस के अगर आप पेरोल डेटा को देखेंगे, जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, ये 3 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से एक बार फिर से मंदी के आसार नजर आ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो नैसडैक में 10% तक का फॉल हम ऑलरेडी अपने हाई लेवल से देख चुके हैं, एक बेयर मार्केट की टेरिटरी में ये मार्केट इंडिकेट कर चुका है यूएस मार्केट्स का। वहीं जापान में भी आज हाहाकार मचा हुआ है, 7% से ज्यादा की गिरावट निकाई में देखने को मिल रही है, और ये भी खासतौर पर बैंक ऑफ जापान के रेट हाइक करने की वजह से आ रहा है। और ये दो मुख्य कारण है जिसकी वजह से बाजार में आज डोमेस्टिक मार्केट्स में भी आप इस तरीके का हाल देख रहे हैं। आगे जाते हुए कितना और सेल ऑफ आएगा ये देखना बाकी है, या फिर बाजार
बाजार ने अब तक जिस तरीके से रेजिलियंट स्टोरी दिखाई है इंडियन मार्केट्स ने, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स ने भारत की इकोनॉमी पर और ग्रोथ स्टोरी पर जो भरोसा दिखाया है, अगर वो वापस आता हुआ दिखा तो एक बार फिर से रिकवरी के आसार नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये भारी गिरावट शेयर बाजार में दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना के बाद से तबाही संभालने की कोशिश जारी है। रामपुर मंडी कुल्लू के सुदूर इलाकों से बर्बादी की तस्वीरें और खौफनाक कहानियां सामने आ रही। अगस्त के महीने में मौसम हिमाचल प्रदेश में ऐसी आफत लेकर आया है कि जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, नदी नाले उफनाए हुए हैं, सैलाब घरों दुकान खेत खलिहान सब कुछ तबाह कर रहा है। मौसम का ऐसा सितम लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली में तबाही के बाद अब कुदरत का कहर टूटा है लाहौल स्पीति में, जहां बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची है। स्पीति के कई गांवों में भारी बारिश के बाद अब हर ओर बर्बादी की तस्वीर दिख रही है और तबाही के इसी मंजर के बीच आज तक की टीम पहुंची स्पीति के सगनम गांव, ताकि मौसम की मार से उपजे हालात का जमीनी जायजा लिया जा सके। आज तक की टीम पहुंची है एक्सक्लूसिवली ये ट्रेवल रोड सी जिनको पार करते हुए आज तक की टीम यहां पहुंची। ये सगनम गांव है जहां क्लाउड बस्ट हुआ था, जहां जिसके कारण एक यहां पे महिला की मृत्यु हुई, गाड़ियां दब गई थी, लेकिन चार लोग फैमिली के गाड़ी में ट्रैप हो गए थे जिन्हें बचाया गया था। ये बहुत रिमोट एरिया है जहां हम आपको लेकर आए हैं। मैं कैमरा पर्सन गिरीश को कहूंगा दिखाएं कि यही वो नाला है जहां से ऊपर पहले क्लाउड बस्ट हुआ और यही वो घर है जो ट्रैप में आया था, यहां की एक महिला की डेथ हुई थी। ये वो नाला है जहां क्लाउड बस्ट हुआ जिसके ऊपर और बड़ी बुरी तरह मलबा आया। स्पीति के सगनम गांव में जगह जगह इधर उधर बिखरी चट्टाने नजर आ रही हैं, मलबे में दबे घर दिखाई दे रहे हैं, लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें बर्बादी की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो एरिया है सगनम गांव का जहां से क्लाउड बस्ट हुआ। एक नाला हमने पहले दिखाया था, एक नाला में से कैसे क्लाउड बस्ट हुआ और वहां पे एक गाड़ी ट्रैप हुई, एक महिला की मृत्यु हुई, लेकिन ये एक बिल्कुल गांव के पास जब ऊपर से क्लाउड बस्ट हुआ ये पूरा मलबा नीचे आया। एक कैमरा पर्सन गिरीश आपको दिखा रहे हैं, पूरा मलबा नीचे आया और नीचे जाते जाते ये गाँव है और ये गाँव के साथ साथ ये पूरा मलबा जो है वो नीचे गया और जितने खेत खलिहान थे, क्योंकि यहाँ मटर की खेती होती है, ये जो लोग किसान हैं ये पूरा साल जो है मेहनत करते हैं मटर की खेती के लिए, ये सारी मटर की खेती इनकी खराब हो गई। लाहौल स्पीति पर मौसम की जैसी मार पड़ी है उससे वहां के स्थानीय निवासी भी हैरान हैं, क्योंकि दावा है कि स्पीति में ऐसे हालात उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। ऐसे में इस बार प्रकृति के प्रकोप से ये लोग भी खौफ जता हैं। डर का माहौल बेशक है जी, बहुत बुरी तरह से लोगों में डर, अभी भी जब शाम शाम को बादल गरजता है तो लोग सब डर के एक दूसरे साइड में जहां गांव में सेफ जगह वहां रुक रहे हैं, तो बहुत डर का माहौल। ऐसा एक आदमी के कैजुअलिटी होने के बाद नेचुरली ऐसा पहली बार हुआ है सर, मेरे पहले इससे पहले कभी हुआ नहीं था। हिमाचल प्रदेश में लगातार बादल फटने की घटनाओं के बाद हाईवे रास्ते तबाह हो गए हैं, जगह जगह पर रास्तों से मलबा और पत्थर हटाने का काम जारी है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। पूरे प्रदेश से आ रही तबाही की ऐसी तस्वीरें लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 6 दिन हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए प्रदेश पर आसमानी खतरा बना हुआ है। स्पीति से असीम बस्सी के साथ मंजीत सैकल आज तक।